मृत्यु के देवता यमराज का नाम सुनते ही लोगों के जहन में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि यमराज का काम लोगों के प्राणों को हरना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐसा ही एक खास मंदिर है जिसमें यमराज विराजमान है। जी हाँ, सुनने में ये जरूर अजीब लगता है, लेकिन इस मंदिर में खास दिन पूजा अर्चना करने से प्राण हरने वाले यमराज खुद लोगों के अकाल मृत्यु के डर को दूर करते हैं और उन्हें नर्क से बचाते हैं। सिंधिया रियासत काल में बने 300 साल से ज्यादा पुराने यमराज के इस खास मंदिर को शहर और आसपास के जिलों से आने वाले लोग मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस मंदिर में यमराज भगवान शिव और मार्कंडेय ऋषि के साथ विराजमान है। ग्वालियर चंबल संभाग का या यूं कहें कि प्रदेश का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां छोटी दिवाली यानी नरक चौदस को यमराज की खास पूजा होती है, जिनकी अल्प आयु होती है। ऐसे में देश के विभिन्न स्थानों से लोग यहां नरक चौदस वाले दिन को विशेष पूजा करने आते हैं, ताकि अपने अंतिम समय में अधिक कष्ट ना हो, या यूं कहें कि नरक से बचने और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी लोग यहां यमराज की पूजा करने आते हैं। में जो प्रतिमा स्थापित है उसमें भगवान भोलेनाथ के साथ में यमराज जी की भी प्रतिमा है, और ये उस वक्त का वाक्य है जब मार्कंडेय जी जो है अल्पायु का इनको मालूम पड़ा तो ये भगवान शिव की आराधना करने लगे। आयु पूर्ण होने के बाद यमराज जी जब आए तो उन्होंने फंदा डाला, तो भगवान भोलेनाथ ने मार्कंड वो उनको बचाया। तो जब से ही भगवान मार्कंडेय मंदिर वो मालूम नाम पड़ा, और भगवान भोलेनाथ का कालांतक भी का एक नया नाम पड़ा। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सिद्ध स्थल है। ये प्रदेश का इकलौता मंदिर है जहां यमराज की पूजा होती है। इसके साथ ही दिवाली के एक दिन पहले नरक चौदस पर लोग स्वयं को नरक से बचाने के लिए और अंतिम समय में कष्ट ना हो इसके लिए पूजा करते हैं। दरअसल 6 पीढ़ी से पूजा कर रहे मंदिर के पुजारी के अनुसार मार्कंडेश्वर मंदिर की जो प्राचीन कहानी है उसके मुताबिक ऋषि मुकुंद के कोई संतान नहीं थी और शिव भगवान की भक्ति से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया था। मार्कंडेय भी अल्प आयु से ही पिता की तरह शिव भक्त थे। जब मार्कंडेय का अंतिम समय आया तो यमराज उन्हें लेने आए। उस समय वो शिव की भक्ति में लीन थे। उन्होंने यमराज को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा, लेकिन यमराज नहीं माने और उन्होंने अपना ब्रह्म पास फेंका। ऐसे में मार्कंडेय ने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया, जिससे भगवान शिव निकले और यमराज पर क्रोधित हुए, तो वहीं अपने भक्त मार्कंडेय को चिरंजीवी वरदान दिया। यमराज की पूजा विशेष करके साल में 3 बार होती है, जिसमें पहली पूजा जो होती है वो कृष्ण पक्ष की कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मतलब छोटी दिवाली या रूप चतुर्दशी बोला जाता है, जो कि आज है, और इसके बाद में यम द्वितीया को होती है और मकर संक्रांति को। आज के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर हमें श्वेत तिल से शरीर पर मल के स्नान करना चाहिए, उसके बाद भगवान यमराज की पूजा करना चाहिए, और शाम को 4 बाती का दीपक लगाएं, और दीपक में जो 4 बाती हैं वो अलग अलग होना चाहिए, एक बाती 2 बाती नहीं करें। बता दें कि विशेष तौर पर यमराज के इस मंदिर में छोटी दिवाली यानी कि नरक चौदस के अलावा मकर संक्रांति और यम द्वितीया के दिन विशेष शुभ पूजा अर्चना होती है। बताया जाता है कि संताजी राव ने मन्नत मांगी थी कि जब उनकी संतान होगी तब वो मंदिर का निर्माण करवाएंगे। जब संतान हुई तो उन्होंने तत्कालीन सिंधिया महाराजा से मंदिर के लिए एक जगह की मांग की, जिस पर सिंधिया परिवार ने न सिर्फ उन्हें स्थान दिया बल्कि मंदिर की स्थापना में सहयोग भी किया, जिसमें आज भी भक्त यमराज के इस मंदिर में पहुंचकर असमय मृत्यु के योग को टालने के लिए पूजा अर्चना करते हैं।